नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, यह चैनल आप ही का चैनल है, एक किसान का चैनल है और आप भी एक किसान हो। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री रहता है। मेरे किसान भाइयों, मेरे इस चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो मैं आपसे आशा करूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे इस चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइब करने के अंदर सहयोग करें आप मेरा, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और हम बात आज करने वाले हैं खेती बाड़ी की, और खेती बाड़ी के अंदर विषय रहेगा ग्वार की फली की पैदावार का। तो मेरे किसान भाइयों, ग्वार की वही फली जो हम सब्जियों में खाते हैं, और उसको कई जगह चीकटी फली भी बोलते हैं, कई जगह उसको बोलते हैं लंबी फली वाला ग्वार बोलते हैं, और ये सब्जियों के अंदर बहुत ही इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने वाला हूँ और भी कि कई किसान भाई ग्वार के बीज को कई तरह से लगाते हैं, जैसे कि कई किसान भाई हलों के ट्रैक्टर और हलों के माध्यम से उराई करते हैं बीज ग्वार के बीजों की, और कई किसान भाई चुट्टी में लेके एक एक बीज को लगाते भी हैं, परंतु वो बड़े हो जाते हैं बीज, जब पौधा बड़ा हो जाता है ग्वार का तब फवारे से सिंचाई करते हैं, वो कई क्यारे से भी सिंचाई करते हैं, परंतु होता क्या है कि कई बार वो फसल फवारे लगाने के अंदर कई पौधे टूट जाते हैं या पौधे खराब हो जाते हैं, और फवारे लगाने के अंदर और या ग्वार की फली की हम तुड़ाई करते हैं जब भी पौधों का नुकसान, बहुत ज़्यादा पौधों का नुकसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि पौधा पास पास में भी होता है, ग्वार की पौधे की एक खासियत हो रही है, अगर आपने पास पास उराई कर दी पौधे की, ज़्यादा पास पास के अंदर कर दी, तो उसमें उस पौधे के ग्वार की फली भी नहीं लगेगी या कम मात्रा में लगेगी। तो इसी प्रकार से मैं हमेशा टेक्निकल खेती करता हूँ, उस टेक्निकल खेती के लिए आपके लिए मैं वीडियो बना लेता हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी देता हूँ। इसी प्रकार मेरे किसान भाइयों, ये मेरा जो खेत है, तो इसके अंदर ये देख लीजिए, मैंने ग्वार की फली लगाई है ड्रिप सिस्टम के द्वारा लगाई है, और ये जो कतार देख रहे हो आप दोनों ग्वारों के बीच के अंदर, तो कम से कम ये 1 मीटर की जगह है बीच के अंदर स्पेस, मैंने 1 मीटर का स्पेस छोड़ा है इसके अंदर, बीच का स्पेस है 1 मीटर का मैंने स्पेस छोड़ा है। और ये बीज की बात करें तो ये बीज मैंने लगाया हाइब्रिड रिसर्च वाला बीज मैंने ग्वार का लगाया है, और बहुत ही अच्छा ये बीज है, और कंपनी आपको बहुत सी बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। आप कभी भी बीज खरीदो ग्वार की फली का, तो हाइब्रिड रिसर्च वाला बीज आप खरीदें और अपने खेत के अंदर लगाएं। और खाद की बात करेंगे तो इसके अंदर नॉर्मल खाद ही गिरता है, गोबर और भेड़ की मिंगण मैंने डाली है, ये देख लीजिए, आपको खाद भी ज़मीन के ऊपर पड़ा है, ये देख लीजिए, तो खाद भी मैंने नॉर्मल डाला है, गोबर और भेड़ की जो मिंगण है वो डाली है मैंने, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं होता है, और कम खर्च के अधिक पैदावार वाली ये फसल है। और ये मेरी फसल की बात करें कितना समय हो गया है, तो मेरे किसान भाइयों, इस ग्वार की फली को लगाए हुए मेरे को 1.5 महीना हो गया है, और आज 27 मई हो गया है, 27 मई 2019 चल रही है आज, तो ये मेरी 1.5 महीने की फसल है, और ये सबसे अगति फसल है, बहुत ही ज़्यादा अगति फसल है, क्योंकि मई के महीने के अंदर अगर किसी भी किसान भाई का ग्वार की फली चालू हो जाती है, तो वो बहुत मोटा मुनाफा कमाता है मेरे किसान भाइयों, क्यों मई के महीने में ग्वार की फली चालू करना, ऐसा नहीं है, ये टेक्निकल खेती है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में मैंने लगाया था, तो ये पौधा ही बहुत नमी बनाए रखा मैंने, इसमें बहुत अच्छी सिंचाई करी, और ये पौधा बहुत किस्मत वाले उगता है ये पौधा, ये मान के चलो, इसकी बेगार और मेहनत ज़्यादा होती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अगेते ग्वार जाने का डर रहता है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा मैंने आपको बता दिया है विकल्प मेरे किसान भाइयों, मैं हमेशा जो भी खेती करता हूँ मेरे किसान भाइयों, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बना देता हूँ। अब देख लीजिए, इसमें ग्वार की फली का और बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये ग्वार की फलियाँ लगना चालू हो गई है इसके, ये ग्वार की फलियाँ लगना चालू हो गई है, और मैं बता देता हूँ, ये ग्वार की फलियाँ लगना चालू हो गई है, अब ये 5-7 दिन के अंदर टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लीजिए, ये लंबी फली वाला ग्वार है,
और मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों कि आप जितना टेक्निकल से खेती करोगे उतना आपको फायदा देखने को मिलेगा खेती बाड़ी के अंदर। ये देख लीजिए, तो इस सिस्टम यह है, इसके अंदर फायदा इतना है कि जब हम गुवार की फली तोड़ेंगे तो गुवार का नुकसान, पौधे का नुकसान बिल्कुल नहीं रहेगा। बीज के अंदर चल के हम आराम से बीज के अंदर चल के आदमी, एक आदमी दो आदमी घूम सकता है आराम से चारों तरफ पौधे के, और आराम से गुवार की फली तोड़ सकता है। कभी कभार क्या होता है किसान भाई हलों के माध्यम से गुवार की उराई कर देता है, या एक एक बीज चुट्टी में लेके बीज की बीजों की जमीन में रुपाई कर देता है। परंतु होता क्या है कि गुवार का पौधा पास पास में लगने के कारण उसके अंदर गुवार की फलियां नहीं लगती है, फूल या के रह जाता है, क्योंकि पौधा ज़्यादा पास में रहने के बाद के अंदर नुकसान रहता है पौधे के अंदर। तो पौधे की दूरी कतार, ये देख लीजिए मैंने बहुत अच्छी दूरी छोड़ी है जिससे पौधा जितना बड़ा हो जाए उतना हो जाए आराम से, और जितना फैले चौड़ाई के अंदर उतना फैल सकता है, और एक आदमी आराम से घूम फिर के गुवार की फली को तोड़ सकता है। तो इसी तकनीक से मेरे किसान भाइयों, ये जो तकनीक है ड्रिप सिस्टम से गुवार लगाने की, ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, बहुत अच्छी तकनीक है। और इसमें मैंने एक पाइप लगाया क्योंकि मेरे पास पाइप एक्स्ट्रा नहीं थे, तो मैं इसके अंदर दो पाइप लगाता। दो पाइप क्या है कि हाई टेम्परेचर के अंदर सिंचाई बढ़िया हो जाती है, और ऐसे भी गुवार की फसल को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हो सके तो आप दो पाइप ज़रूर लगा दिया करो, दो पाइप से आपके पास एक्स्ट्रा है तो नहीं, एक पाइप भी से भी काम चल जाता है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है इसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि के संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और मेरे नए नए अनुसंधान आप तक पहुँचे। हाँ, मैं एक बात अवश्य और बताना चाहूँगा अंत के अंदर कि मई के महीने के अंदर ये मेरी गुवार की फली बहुत ही अच्छी चालू हुई है, और करीबन ये मांग के चलो कि ये मेरे 50 रुपये पर केजी बाज़ार के अंदर अभी ये जा रही है, और हो सकता है बारिश के मौसम में थोड़ा डाउन भी हो जाए, पर ज़्यादातर ये अगेती गुवार की फलियों का भाव रहता है। तो इसीलिए मैं अलविदा लेता हूँ मेरे किसान भाइयों, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि की संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।